तो बताएंगे दोस्तों क्या पढ़ा था पिछली क्लास में है? तो कोई नहीं लाइव में जो रिकॉर्डिंग तो देख ली होगी ना अच्छा आज मिलेगा कोई बात नहीं वो देख लेना है ना तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे ठीक है ना बाल फेड से बालफेड तो पढ़ ही लिया था ठीक है एनफोर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में है ना राइट right? दस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है <coughs> तो ग्रुप भी बन जाएगा तुम्हारा तो मैं तुम्हें इसके क्या मिल जाएंगे सर हाँ यानी कि ये नोट्स भी और तुम्हारे एम सी क्यू भी है ना राइट <coughs> तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमें आज का टॉपिक हमें कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत सिंपल होगा तुम्हें सिर्फ समझना है फिर एग्जाम में तुम जब एम सी को देखोगे तो तुम्हें बहुत बड़े तरह के समझ में आ जाएगा है ना सबसे पहला एक बात मुझे तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट लिखकर होता है या बोलकर भी हो सकता है लिखकर तो ही होता है बोलकर तो हो नहीं सकता बिल्कुल गलत जवाब <laughs> लगा लो काटे न लाएगा जिंदगी से लेके आज तक यानी बचपन से लेके पचपन तक तुमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए कभी लिख कर रहे नहीं।, नहीं सिर्फ एक आदि है बड़े मुश्किल से लिखकर जैसे तुमने मोबाइल खरीद लिया हो तो वो बिल बन गया होगा लेकिन उसमें तुमने कुछ लिखा नहीं जैसे मैंने स्टैम्प पेपर दिखाया था तो तुमने जिंदगी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए आज तक वो क्या किए सर हाँ तुमने ज़िंदगी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए वो आज तक क्या किए सर बोल कर ही किए हैं बोल कर ही किए हैं कॉपी चुराइए है, खरीदिए पक्का यकीन कर लूँ निकल लूँ कपड़े चश्मा सब चुराया हुआ है खरीदा हुआ है तो जब खरीदा होगा तो बोल के खरीदा होगा खासकर कॉपी पेन का तो कोई लिख के कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं तो जज साहब ने कहा अगर मैं ये कह दूंगा कि लिख कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी है ना लिख कर कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे दुनिया खत्म हो जाएगी तो जज साहब ने बोला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो बोलकर भी हो सकते हैं और कुछ रिटर्न भी हो सकते हैं बस फ़र्क क्या है जो बोलकर होते हैं उसमें सबूत तुम्हें गवाह के तौर पर इकट्ठा करना पड़ता है गवाह सीसीटीवी कैमरे कि देखो सर ने ऐसा बोला था रिकॉर्डिंग जो रिटेन है उसमें कोई गवाह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तुम्हारे हस्ताक्षर ही जो होते हैं तुम्हारे साइन ही जो होते हैं क्या होते हैं अपने आप में सबूत होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बोलकर और लिखकर दोनों के होते हैं जैसे एक्समैन ने बोला कि भैया मैं तुझे कार बेचूंगा इतने उसने कहा ठीक है मैं कार खरीद लूंगा तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कौन सा सर बोलकर ठीक है ना और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है सर लिखकर समझ में अगली बात अगली बात तुम मुझे बताओ भैया क्या कभी स्टेशन गए हो स्टेशन है ना ट्रेवल किया है ठीक है अब भैया तुम तो स्टेशन पे पहुंचे है ना स्टेशन पे क्या हुआ सर बच्चन साहब आए स्टेशन पे क्या हुआ हाँ बच्चन साहब आए कैसे आए सर एक ड्रेस में वो ड्रेस थी भैया ऐसी है ना दिख रहे हैं? कहां पे सर यहां पर ठीक है तुम उन्हें देख के मुस्कुराए वो तुम्हें देख के मुस्कुराए तुमने मनी मन गाना गा दिया मुस्कुराने की वजह तुम हो बच्चन साहब है नहीं बात? मुस्कुराते मुस्कुराते बच्चन सामने तुम्हारा एक बैग रखा दो बैग रखा और ऐसे तीनों बैग सर पे रख लिए फिर मुस्कुराते ही मुस्कुराते बच्चन साहब पुल पे आ गए देखो पुल पे आ रहे हैं पुल पे आते आते मुस्कर सामान रख दिया है ना सामान रख दिया रख दिया बोलो अब जैसे सामान रखा बच्चन साहब ने तुमसे बोला पैसे और भैया पैसे वरना हम तुम्हारा बैग वैग सब है ना इधर उधर फेंक देंगे तुमने कहा ख़तरनाक सवाल क्या हाँ तुमने बोला मैंने कहा था उठाने को मुझे लगा भैया अपनी मर्जी से उठा रहे हो इंसानियत के नाते उठा रहे हो है ना वहाँ बच्चन साहब झगड़ गए बच्चन साहब कह रहे हैं मतलब बच्चन साहब दुखी हो रहे बताओ यार लोग वहाँ कैसे है सवान उठवा लिया है कि नहीं बात पैसे नहीं दे रहे अब बच्चन साहब कह रहे हैं मैं लड़ाई करूँगा भैया लड़ाई करूँगा क्या पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे बोलो क्यों देने पड़ेंगे तुमने कुछ बोला लिखा कॉन्ट्रेक्ट कैसे होते हैं कॉन्ट्रेक्ट कैसे होते हैं लिखकर या बोलकर अगर कॉन्ट्रेट लिखकर बोलकर होते हैं तो क्या पैसे देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिल्कुल गलत जवाब <laughs> जज साहब ने कहा ध्यान सविंदा जज साहब ने कहा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जज साहब ने बोला कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बिना बोले बिना लिखे होते हैं जिन्हें सोसाइटी क्या करती है सर जिन्हें सोसाइटी क्या करती है कैसे करती है सर एक्सेप्ट करती है बिना बोले और बिना लिखे कैसे एक्सेप्ट कर लेती है सर बिना बोले और बिना लिखे चाहे यम्मा जी हो ठीक है ना चाहे भैया कोई और भैया अंकल जी हो चाहे भैया इनका वो उठा रहे हो चाहे आंटी जी हो कोई भी हो किसी का भी सामान आप उठाओगे बिना बोले बिना कहे तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है क्योंकि ये कौन है कुली अच्छा खुद सो तो साहब ने बोला कि अगर 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 बच्चन साहब ना होते ये अंकल जी होते है ना तो क्या तुम इन्हें बैग उठाने देते इन्हें क्यों नहीं उठाने देते क्योंकि कुली नहीं।, क्योंकि कुली नहीं तुम्हें कुली का कैसे पता लगा ड्रेस से तो जज साहब ने बोला अगर सोसाइटी एक पर्टिकुलर ड्रेस पर एक पर्टिकुलर काम पर किसी बंदे को कहती है बिना बोले तो ये काम कर सकता है तो उसका मतलब वो कॉन्ट्रेक्ट भी क्या होंगे सर वो कॉन्ट्रेट भी वैलिड कॉन्ट्रेट होंगे और जज जमने से नाम दिया इंप्लाइड कॉन्ट्रेट क्या नाम दिया सर बोलो याद है ये बात तो बताओ इंप्लाइड कॉन्टेट की डेफिनेशन क्या होगी अगर एग्जाम में तो किस पे गोला लगाओगे इंप्लाइड कॉन्टेट इज द कॉन्टेट विच इज डन अदरवाइज यानी कि बिना बोले है ना बिना बोले और बिना लिखे तो ये कैसे होते इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी इन्फर्ड मतलब कॉन्टैक्ट में एंटर हो जाते हैं कॉन्टेक्ट मतलब किसी भी काम को करने से कोई काम करने से किसी भी काम को करने से क्या होता है सर कॉन्टैक्ट हो जाते हैं ऐसे ऑटो वाला आया ऑटो वाले ने तुम्हें देखा तुमने ऑटो वाले को देखा तुम ऑटो वाले के बगल में बैठ गए ले गया झूम 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 करते उड़ाता हुआ तुम्हें ले गया अब ऑटो वाला तुम्हें उड़ाता हुआ ले गया ये बताओ पैसे देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे तुम कह रहे हो किस बात के पैसे तू भी तो बैठ के आया है तू भी तो बैठ के आया है देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे क्यों बिना बोले बिना लिखे क्या ये इम्प्लाइड है कि भैया ऑटो वाला जगह चला रहा है मैं पैसे देंगे दुनिया मानती है ऐसी बस में तुम चढ़ गए टिकट लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा तो यह लिख की बात ये सेम एग्जाम्पल कुली है ना अगर बस में बस या ऑटो चल रहा है शू पॉलिश वाला है तुम्हारे पैर पकड़ लिए और पॉलिश करने शुरू कर दिए तो तुम्हें देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे क्योंकि भैया अगर तुम उसे मना नहीं कर रहे तो माना जाएगा तुमने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस करी तो बैग उठाता ही बच्चन साहब का क्या माना गया इंप्लाइड ऑफर और तुमने बैग उठाने दिया तुम्हारा क्या माना गया योर इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या मानेंगे इंप्लाइड एक्सेप्टेंस याद आया ना ऑफर एक्सेप्टेंस से तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है तो बैग उठाना इंप्लाइड ऑफर तुम्हारा मना ना करना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस जूते वाले का तुम्हारा पैर पकड़ के पॉलिश करना शुरू कर देना इंप्लाइड ऑफर तुम्हारा मना नहीं करना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ऑटो वाले का ऑटो तो स्टैंड पे रुकना इंप्लाइड ऑफर ऑटो और तुम्हारा ऑटो में बैठ जाना या बस में बैठ जाना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ऐसे ही बोलो समझ गए सर ऐसे ही एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिल्कुल इंप्लाइड की तरह होता है इसलिए हम कहते हैं टेसिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इंप्लाइड तो बस इंप्लाइड का एक सिनोनिम बना दिया अब जैसे बताओ कभी एटीएम से पैसे निकाले कैसे निकाले हाथ जोड़कर देख ले बहन पैसे दे दे बहुत जरूरत है मैं भी कह रहा हूँ बहुत जरूरत है तो एटीएम पैसे दे देगा कैसे निकलेंगे पैसे कैसे एटीएम कार्ड निकाल के लेकिन वहां कोई ह्यूमन तो है नहीं मशीन इन्वॉल्व है तो जज साहब ने बोला अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो भी बिना बोले बिना लिखे तो एटीएम से पैसे निकालना भी इंप्लाइड इंप्लाइड है 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 उसे क्या नाम दिया एज एज वेल ठीक कभी देखा है? बोली है, बोली लगती जैसे आईपीएल की बोली लगती है बैनर उठाते हैं और कई बार जब बोली लगाने वाले बोलते हैं एक लाख है, एक लाख दो एक लाख तीन धट्टे देनी क्या मारते हैं वो हथौड़ा तो बताओ सेल कब होती है जब तीसरा हथौड़ा गिरता है तो जज साहब ने कहा तीसरा हथौड़ा गिरने पर है ना किसी चीज के गिरने पर किसी काम को पूरा होने का क्या होता है कंक्लूजन होता है कि वो हथौड़ा तीसरा गिरेगा तो तीसरा हथौड़ा गिरना भी क्या है इंप्लाइड यानी कुछ होने से होता है कंडक्ट मतलब कुछ होने से यानी कि कोई काम मैंने लिखा ना ऊपर कोई काम होने से तो जज साहब ने बोला क्योंकि हथौड़ा गिर रहा है हथौड़े के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एटीएम के मशीन से पैसे निकालने पर कॉन्टैक्ट हो जाता है तो ये इंप्लाइड तो है क्योंकि इसमें ना कोई बोल रहे ना लिख रहे लेकिन इंप्लाइड के साथ साथ हमसे क्या बोलेंगे टैसेड भी बोलेंगे एक बात ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एटीएम से पैसे विड्रॉ या फिर ऑप्शन में फॉल ऑफ हैमर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड या टैसेट या नन या एक्सप्रेस क्या लिखोगे टैसेट ज्यादा बेटर है इंप्लाइड लिखना क्योंकि ने क्या लिखना है टैसेट अगर लिखा मिला है टैसेट अन इंप्लाइड बोथ तो फिर आप लिख सकते हो टैसेट एंड इंप्लाइड बोथ आई लेकिन अगर कोई तुमसे बोले कुली शू पॉलिश बस ऑटो तो ये इंप्लाइड, इंप्लाइड है ये टैसेट नहीं है क्योंकि टेसिट में दो ही एग्जाम्पल है हैमर और हाँ अगली बात बहुत सिंपल ठीक है बचपन में हमने कुछ पढ़ा तो है ही थोड़ी सी अंग्रेजी जानते हो नहीं जानते ये मुन्ना मुन्नी थोड़ी अंग्रेजी तो जानते होंगे अगर थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी जानते हो अगर बताओ ई अगर थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी जानते हो तो बताओ ई डी कब लगता है ई डी ई डी कब लगता है ये वाला ईडी पास्ट टेंस में वही कह रहा है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने किसने बोथ द पार्टीज है ना क्या कर दिया फुलफिल्ड काम पूरा कर दिया यानी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तुमने मुझे फीस दे दी तो क्या है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ना राइट ए बी ने कार दी ए ने डिलीवर कर दी कार बी ने पे कर दिया दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया एग्जीक्यूटिड एग्जीक्यूटरी कौन सा होगा जहां दोनों पार्टियों का करना है स्टिल टू परफॉर्म मेरा पढ़ाना बाकी है तुम्हारा फीस देना बाकी है. क्या हो गया सर अच्छा तुमने पूरी फीस दे दी या बाकी है अभी थोड़ी भी पूरी फीस दे दी अगर तुमने अपना पूरा काम कर दिया लेकिन मेरे तो पढ़ाना बाकी है तो तुमने काम कर दिया तुम्हारे लिए क्या हो गया पार्टली एग्जीक्यूटेड और मेरा भी पढ़ाना बाकी है अभी तुम पढ़ ही रहे हैं है ना एग्जाम कब है हाँ है ना तो मैं अब पढ़ाऊंगा आगे भी और तुम्हें तो ये क्या हो गया सर एग्जीक्यूटरी तो पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी जहां एक बंदे ने वन पार्टी ने क्या कर दिया काम पूरा कर दिया अदर पार्टी का क्या है बाकी है है ना एक्स ने कार दे दी लेकिन वाई का भी काम पूरा करना बाकी है अब सुनेंगे ध्यान से एक होता भैया ट्रल कॉन्ट्रेक्ट कौन सा सर यूनिलेटरल यूनिलेट्रल कॉन्ट्रेट होता है जिसे हम बोल सकते हैं एक तरफा मोहब्बत वन साइडेड लव सर मैं ही बस उससे प्यार करता हूं सर वो करे ना करे मैं ही करता हूं बस सर है कि नहीं बात मैंने उसे अपना मान लिया सर ठीक है तो वन साइडेड लव भैया बड़ा खतरनाक होता है ए तू आ कर या ना आकर तू हेरी है कि नहीं बात वो वाली बात तो भैया तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण करके अगर कर, तुम करते रहोगे ठीक है तो जज साहब ने बोला वो यूनिलेटरल में आ जाता है किसमें आता है तो आम आदमी उन्हें एक तरफा मोहब्बत वन साइडेड बात बोलती है कानून कहता रहा है कानूनी भाषा में बात करो यूनि, वन, वन साइड मतलब यूनिलेट एक तरफा अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक तरफा मोहब्बत तो सच्ची नहीं हो सकती क्योंकि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में एक गड़बड़ है क्या क्या गड़बड़ है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में कि सर उसमें क्या नहीं मिलता हमें उसमें नहीं उसमें कंसीडरेशन तो होता ही नहीं क्या नहीं होता कंसीडरेशन होता नहीं कंसिडेशन के बाद बदले में कुछ मिलना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है फीस मिल रही है तो भैया अगर मैं तुम्हें पढ़ाने का फ्री में वादा कर रहा हूं और तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दे रहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये हमने सेक्शन टेन में भी पढ़ा कि, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या जरूरी होता है कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्री सेवा भाव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता तो फिर ये वन साइडेड लव वैलिड कैसे हो सकता है तो जज साहब ने बोला कुछ ही केसेस में मात्र कुछ ही केसेस में एक तरफा कॉन्ट्रेक्ट वैलिड होगा एक तो बोनस क्योंकि बोनस के लिए बोनस एक्ट बोनस एक्ट कह दो या फिर अब ये नया जो है वेज कोड एक्ट कौन सा एक्ट सर वेज कोड एक्ट यानी कि कानून हमारा कहता है अच्छा बोनस अगर पिताजी जॉब कर रहे हैं तो बोनस के लिए पिताजी क्या करते हैं काम करते हैं नहीं कुछ नहीं करते है. जो काम करते हैं उसके बदले क्या मिलता है सैलरी जो काम करते हैं उसके बदले क्या मिलता है सैलरी क्या मिलता है सैलरी और जो ओवर टाइम करेंगे उसके बदले क्या मिलेगा ओवर टाइम पेमेंट तो बोनस तो फ्री मिलता है शेयर के बारे में बड़ा ट्वेल्थ में बोनस शेयर है ना एक के साथ एक फ्री वन एस टू वन यानी बोनस शेयर तो बोनस हमेशा क्या होता है सर फ्री तो लेकिन बोनस एक्ट ये बोलता है वेज एच कोट एक्ट ये बोलता है कि हमें इंसान हमें लोगों को क्या देना चाहिए बोनस देना चाहिए तो ये वन साइडेड लव है जो क्या होगा यूनिट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये वैलिड होगा दूसरा होता है वन साइडेड में बोनस के अलावा एक और चीज़ होती है रिवॉर्ड क्या होती है सर अब समझना ध्यान से रिवॉर्ड क्या होता है रिवॉर्ड का मतलब होता है जैसे गुमशुदा की तलाश किसकी तलाश गुमशुदा मैं हूँ गुमशुदा गुमशुदा की तलाश पोस्टर छपवा दी भैया किसी के बालक को गया उसने पोस्टर छपवा दी चारों तरफ कि जो मेरे बालक को ढूंढ के लाएगा उसे भैया दस लाख का इनाम पोस्टर छप गया दस लाख का इनाम जो भी मिसिंग बच्चे को ढूंढ के लाएगा जो भी मिसिंग बच्चे को ढूंढ के लाएगा क्या होगा सर दस लाख का इनाम होगा क्या होगा मुन्ना मुन्नी दस लाख का क्या हो जाएगा सर इनाम हो जाएगा ठीक <kuh> है बोलो समझ में आ रही है अब ये बताओ तुम ढूंढ के लिया है भैया तुमने क्या किया तुम बालक को ढूंढ के लिया है, है ना मिला नहीं मिलेगा क्या तुम्हारे साथ कांटेक्ट हुआ बता हुआ कि नहीं हुआ क्या क्या पर्चे में तुम्हारा नाम लिखा था क्या पर्चे पे किसी भी बंदे का नाम लिखा होगा मैं ढूंढ के लिया तो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो जज साहब ने बोला ये यूनिलेटल कॉन्टेक्ट होते हैं क्यों क्योंकि जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा क्या जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा क्या उसके साथ कभी कॉन्टैक्ट किया अरे उसको तो देखा भी नहीं ना उसके साथ कांटेक्ट किया ना उसे कभी देखा ना उससे कोई ओरल बातचीत करी ना उससे कोई रिटर्न बातचीत करी हमने तो लिख दिया जो भी हमने क्या लिख दिया जो भी बालक को ढूंढ के लाएगा हम उसे दस लाख का इनाम देंगे लेकिन वो जो जो भी है उसको हम और उसके साथ हमने कांटेक्ट भी नहीं किया तो इसका मतलब जो भी पर्सन बालक को ढूंढ के लाएगा है ना राइट right. वो तुम्हारी तरफ से परफॉर्मेंस मानी जाएगी कि बस वो जब भी ढूंढ के लाएगा तुम पैसे दे दोगे वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ मैंने कभी कॉन्टैक्ट किया ही नहीं बस तू ले ढूंढ के तो जज साहब ने कहा यह भी यूनिलेटर लेटरल कॉन्टैक्ट होता है ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से होता है किसी तरफ से होता है तुम तुम्हें पाता फुलफिल करना है उस बंदे के साथ जो भी ढूंढ के ले आएगा वो तुमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा माना जाएगा तुमने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया लेकिन वो कौन है वो कोई भी हो सकता है बात समझ भाई तो ये दो बातें याद रखेंगे बोनस रिवॉर्ड ये सब क्या होगा सर यूनिलेटरल ठीक है ना बायोलेटर मतलब एग्जीक्यूटरी क्वांटिटी क्या होते हैं सर बायोलेटर होते हैं हा बायोलेटर मतलब दोनों का काम बाकी है एग्जीक्यूटिव मतलब यह लिखा है ना स्टिल टू परफॉर्म देखो यहां क्या लिखा है ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग जहां दोनों क्या करना है सर ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज बोलो समझ गए ठीक है अब कई बच्चे पूछते हैं बायलेटल और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटरी में तो फर्क क्या है तो वैसे देखा जाए तो फ़र्क कुछ भी नहीं है एग्जीक्यूटरी क्वांटिटी क्या होते हैं बायोलेटरल तुम को बोलते हो बायोलेटर बायोलेटरल क्वांटिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटरी पर अगर मैं अगर छोटा सा तुम्हें डिफरेंस बताऊं तो एक छोटा सा डिफरेंस है बस एग्जीक्यूटरी में हमें गाना गा देंगे थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी कौन सा है ना थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी यानी एग्जीक्यूटरी में आप अपनी अक्षर साथ गाना गा दोगे थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी यानी थोड़ा थोड़ा सा काम हो गया है थोड़ा थोड़ा है बाकी जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया थोड़ा सा बाकी है तुमने भी थोड़ी सी फीस दे दी बाकी इंस्टॉलमेंट बाकी है तो एग्जीक्यूटरी है लेकिन अगर मैं बायोलेटल की बात करूं तो बायोलेटल में पूरा ही काम बाकी होता है दोनों तरफ से एग्नि बात क्या होता है सर दोनों तरफ से हंड्रेड परसेंट काम पेंडिंग है ठीक है वरना हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटरी इज बायलिटल कॉन्ट्रेक्ट बायलिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्ट ठीक है ना बोलो समझ गए सर अगली बात वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन टेन के दस एलिमेंट पूरे हो जाए सेक्शन दस के दस एलिमेंट पूरे हो जाए तो क्या होगा तो हो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिड्रेशन लीगल फॉर्मेलिटी ये सारी अगर पूरी हो जाए तो वो क्या होगा सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है भैया क्या कहला जाएगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा अब आते हैं सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अब समझेंगे ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम मुझे बताओ क्या ये बात सही है ए प्लस ई इज इक्वल टू सी क्यों सही है बात एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रेक्ट होता है है ना सही है ना सब कुछ सही है एग्रीमेंट भी है एनफोर्सिबिलिटी है एग्रीमेंट भी कौन सा है सर बिजनेस एग्रीमेंट है और एनफोर्सिबिलिटी है यहां पे आके मैं कह दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ऐसा कैसे हो गया ऐसे कैसे क्या सोच सकते हो सब कुछ ठीक है एनफोर्सिबिलिटी रानी भी कह रही ठीक है भैया है, है ना कोर्ट में ले जा सकते हैं एग्रीमेंट भी ठीक है ये अवॉइड कैसे, कैसे हो सकता है फिर कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट भी वैलिड है सोचो कैसे मान लो भैया किसका contract किया शादी का किसका contract किया शादी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं सर इंडिया में इंडिया इंग्लैंड में शादी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली माने जाते हैं सोशल नहीं माने जाते है. तो मैं सोचना बालसर वर्सीबास्फी इतना सोशल होगा शादी में बुलावा शादी में बुलावा क्या होता है सोशल होता है सोशल एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड होता है है ना राइट क्योंकि क्योंकि बालसर वर्सीबाजन ने क्या बोला सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सिएबल तो वॉइड हो जाएगा लेकिन शादी का कॉन्ट्रैक्ट शादी का एग्रीमेंट क्या होता है सर कमर्शियली माना जाता है तो इंग्लैंड में लोग कहते हैं भैया कि शादी का वादा कर दिया तूने ना निभाया भग लिया तू है कि नहीं बात तो इंग्लैंड के लोग शादी के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेते हैं लीगल मानते हैं कि अगर किसी ने शादी का एग्रीमेंट तोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम उसको क्या कर देंगे सर केस कर देंगे इंडिया में भी शादी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है ठीक है ना इंडिया में भी शादी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है अब सजनी गजनी है ना इन दोनों ने क्या किया शादी कॉन्ट्रैक्ट किया शादी का एग्रीमेंट हो गया क्या हो गया सर एग्रीमेंट हो चुका है एग्रीमेंट हो चुका है एनफोर्सिबिलिटी भी आ चुकी है क्योंकि शादी के एग्रीमेंट को हम कमर्शियल के बराबर ही मानते हैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका है अब ऐसा क्या हो गया कि हम कह दें कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है वॉइड का मतलब बेकार ही क्या है सर वॉइड है क्या क्या क्यों हो सकता है ऐसा अगर इन दोनों में से मान लो हाँ मान लो भैया सजनी की मृत्यु हो जाए अल्लाह को प्यारी होगी बेचारी है कि नहीं बात तो बताओ किससे शादी कर लेगा वो अब तो मेरे कर्न अर्जन आएंगे है ना या फिर ओम शांति ओम फिर तो अगले जन्म में चलेगी बात इन जन्म में सब कह रहे भैया तू कोर्ट में केस भी लेके आएगा कॉन्ट्रेक्ट भी लेके आएगा तो मैं तेरी शादी किससे करा दूँ या तेरे से तेरे को मैं कंपनसेशन किससे दिला दूँ जिस जिससे शादी कॉन्ट्रेक्ट से कम्पन था वही नहीं रहा दुनिया में तो जज साहब ने बोला भैया बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है अगर शादी के कॉन्ट्रैक्ट किए किसे कॉन्ट्रैक्ट किए अगर शादी के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगी सर डेथ दे、तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, जाएगा। वॉइड और और कोई तरीका जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए और कोई तरीका है जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए नहीं बैन मैंने तुमसे प्लास्टिक का कॉन्ट्रैक्ट किया प्लास्टिक सरकार ने बैन कर दी बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो तो वैलिड था बाद में क्या हो गया बैन या फिर डिस्ट्रॉय है ना मैं किसान हूं मैंने तुम सब फसल का कॉन्ट्रैक्ट किया फसल खराब हो गई क्या हो गया सर यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एग्रीमेंट के टाइम पर क्या होते हैं एग्रीमेंट के टाइम पर वैलिड होते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं बट बिकम्स वॉइड किस वजह से ड्यू टू हाँ इसको बोला गया ड्यू टू इंपॉसिबिलिटी क्या बोला गया ड्यू टू इंपॉसिबिलिटी ड्यू टू इंपॉसिबिलिटी यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इंपॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी का कारण क्या हो सकता है मृत्यु सरकार ने बैन कर लिया सरकार ने फोर फीट कर लिया जब्त कर ली कोई ज़मीन या फिर कोई चीज़ क्या हो गई ख़राब हो गई तो इन सभी कारण की वजह से क्या होगा सर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ये लिखी बात अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे है ना राइट right, इसकी डेफिनेशन समझेंगे हमारे यूपी में बात चलती है जे जैसे कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अरे ये इंसान अरे ये बालक सही तो नहीं है तो हमारा जे बालक सही नहीं है तो जज साहब ने बोला जे वॉइड है क्या है सर जे वर्ड है तो जे वर्ड है मतलब क्वान्टेड वर्ड है अब देखो क्वॉन्टेड विद सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ जच्छा हम कॉमा लगाना भूल गए हम कॉमा लगाएंगे है, क्या क्वांटेड इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इसको ध्यान समझते ए क्वान्टेड सजनी गजनी का सीज टू बी एनफोर्सेबल रोक दिया जाएगा एनफोर्स मतलब कोर्ट में जाने से कोर्ट में जाने से रोक दिया जाएगा अ अकॉन्टेड सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ए क्वान सीज मतलब बैन कर देना है रोक देना एक कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया जाएगा एनफोर्सेबल बाय लॉ कोर्ट में जाने से कोर्ट में घसीटने से रोक दिया जाएगा क्यों बिकम्स वॉइड यहां पर बिकम्स के ऊपर क्या आना चाहिए बिकॉज इट बिकम्स वॉइड जैसा हमने बिकॉज नहीं लगाया एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाने से रोक दिया जाएगा क्यों बिकॉज इट बिकम्स वॉइड एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा क्योंकि वो वॉइड हो चुका है फिर जज साहब ने कहा यह रीजन है ना रीजन दो इट बिकम्स वॉइड वेन जब इट सीज टू बी एनफोर्सेबल जब वो कोर्ट में जाने लायक खुद नहीं रहा अब जज साहब यहां एक लाइन खा गए यहां उन्हें लिखनी चाहिए थी की बात क्या वेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी जद साहब ये लाइन खा गए ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी और यहां बिकॉज लगाना भूल गए और यहां कॉमन लगाना भूल गए अब मैं अगर पढ़ूंगा ध्यान से तो मैं ऐसे पढ़ूंगा अगर मैं लिखता डेफिनेशन तो ऐसे लिखता अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ए कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा बिकॉज इट बिकम्स वॉइड क्योंकि वो वॉइड हो चुका है रीजन क्या दिया वैन इट बिकम्स वॉइड वो क्योंकि वो बेकार हो चुका है वैन क्योंकि या जब इट सीज टू बी एनफोर्सेबल जब वो कोर्ट में जाने लायक खुद नहीं बचा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ठीक है बोलना जरा फिर से कॉमा no. कॉमा ये हमें लगाना नहीं है ना ये तो मैं लगवा रहा हूं तुम्हें कॉमा कॉम क्यों बिकॉज इट बिकम एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा क्योंकि वो बेकार हो चुका है कितनी बात तो आसानी से याद हो जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा क्योंकि वो बेकार हो चुका है अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट बिकम्स वॉइड क्योंकि वो वर्ड हो चुका है रीजन क्या दिया वेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल कब जब वो खुद ही कोर्ट में जाने लगना बचाओ वैन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल जब वो कोर्ट में वैन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल जब वो रोक दिया जाए कोर्ट में जाने लगे खुद ना बचाओ ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी इसको ऐसे याद कर सकते हैं ये तो होगी लीगल भाषा जो मैंने तुम्हें ऊपर लिखवाया ये उसकी होगी इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था कब वैलिड था जब वो बना बट बाद में वो क्या हो गया क्यों ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ये लिखी बात सेम एग्जाम्पल मृत्यु बैन डिस्ट्रॉय याद रहेगी बात अब अगली कहानी अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कॉन्ट्रेड तो छोड़ो कि कॉन्ट्रेड वॉइड है मैं कह रहा हूँ जज ने बोल दिया कॉन्ट्रेट तो छोड़ो कॉन्ट्रेड वॉइड है जज कह रहा है ही वॉइड है ही वॉइड है ऐसा कब हो सकता है कि एग्रीमेंट इवॉइड हो जाए ना कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है रानी कह रही है भाई एग्रीमेंट इवॉइड है मेरे पास बताइए ना 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 वो तो फिर ऑफर करके एक्सेप्ट होंगे तो यहां आ गया तो जज साहब ने बोला कि भैया मैं एग्रीमेंट ही वॉइड मानूंगा ये रानी कह रही है मैं एग्रीमेंट ही वॉइड मानूंगी जहां तुम्हारी सोच खराब हो जहां सोच वहां शौचालय नहीं जहां सोच वहां अगर वो सोच खराब है तो एग्रीमेंट हुआ इट जैसे जैसे भैया तुम हो तुमने अपने बगल में एक बालक को पकड़ लिया किसको पकड़ लिया बालक को बोला कि चॉकलेट लेगा सौ अब बालक छः सात साल का पाँच छः साल का उसके दिमाग में लगा सौ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी है कि नहीं बात बालक को पकड़ लिया तुमने कहा हाँ भैया ले लूँगा तुमने बोला पापा का लैपटॉप लिया और तुमने बालक को बोला बेटा नाम लिखना आता है हाँ नाम लिखना आता है यहाँ पे तो स्टैम्प पेपर लिया है यहाँ पे लिख दिया कि बालक को मैं सौ चॉकलेट दूंगा बालक मुझे क्या देगा लैपटॉप देगा यहाँ तुमने अपने साइन कर दिए यहाँ बच्चे के साइन करवा लिए हाँ भैया और कहा ये ले सौ चॉकलेट पकड़ और जा लैपटॉप दे जा अब वो पापा को कह रहा है है ना पापा तुम पापा हो इसलिए बीस चॉकलेट तुम्हारी मम्मी तुम मम्मी हो इसलिए तीस चॉकलेट तुम्हारी पापा ने दो हफ्ते कन रखे ठीक है तुम होश में आ गए पापा ने बोला पैसे चुराए तूने हैं अब तू तेरी उम्र में हमें अकल भी ना थी और तू पैसे चुराने लगा क्या मगर बाबू मैंने पैसे नहीं चुराए बाबू मुझे तो पता भी नहीं पैसे कहाँ थे चॉकलेट कहाँ से इतनी सारी चोरी करके लाया नहीं 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 भैया ने दी फिर पता लगा भैया ने लैपटॉप ले लिया अब भैया ने तुम्हें दिखाया कि अंकल जी स्टैम्प पेपर है बालक के साइन है मेरे साइन है बालक ने अपनी मर्जी से चॉकलेट के बदले लैपटॉप दिया है अरे तो बालक को पता है लैपटॉप चॉकलेट की कीमत में फ़र्क क्या है नहीं ना तो बालक को तुम बहका लोगे तो जज साहब ने कहा अगर तुमने किसी बालक को बहका लिया तो बालक को बहकाने में तुम्हारी सोच ही खराब है क्या खराब है तो मैं उसमें एनफोर्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात कि तुमने साइन करा के एनफोर्सिबिलिटी करा ली कोर्ट में घसीटने लायक बना लिया सबने कोर्ट वोट में नहीं घसीटा जाएगा ये एनफोर्सिबिलिटी रानी की बेकार है वो तो जैसा कहा एग्रीमेंट ही क्या होगा वॉइड वॉइड एग्रीमेंट होगा जैसे तुमने किसी किसके साथ किया बच्चे के साथ या फिर किसी अनसाउंड के साथ जो दिमागी तौर पर क्या है है ना उसके साथ ना तो ऐसे एग्रीमेंट जो बच्चे के साथ किए गए हो या किसी अनसाउंड व्यक्ति के साथ पागल व्यक्ति के साथ किए गए हो उस इसको ना जाना हो कि क्या हो रहा है ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाए जाएंगे सर हाँ बच्चे की एडमिट होती है अट्ठारह साल अट्ठारह साल से नीचे माइनर होता है अब बच्चों को क्या बोल सकते हो माइनर तो होगा वॉइड एग्रीमेंट अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर कोई तुमसे पूछे वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से बिल्कुल मेल खाती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इजिकल टू कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं इसके बीच में लगा दू एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो क्या बनेगा वॉइड एग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट तो अगर कोई तुमसे पूछे वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है तो आप बोलोगे एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉयस एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉयस वॉइड एग्रीमेंट ठीक है बात समझ में आ गई तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वेन इट्स सीज टू बी एनफोर्सेबल इसका मतलब कॉन्ट्रेक्ट विच इज वैलिड एट अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इंपॉसिबिलिटी याद रहेगी बात तो यह डेफिनेशन भैया तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि एम सी क्यू में डेफिनेशन को उल्टा सीधा लिख के दे, दे देंगे तो तुम्हें सही डेफिनेशन पहचाननी पड़ेगी तो इसे जी के पी एल कर लेना पड़ेगा घोट के पी लेना एंड कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी बाय लॉ बिकम्स वाइड वैन सीज टू बी एनफोर्सिबल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वैलिड था ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी क्या होगा सर वॉइड हो गया अब जे वॉइड है टू जे बच्चों ने हमने क्या खाया सर पाल ले जी तो बच्चा खाता पाल ले जी सिलेक्शन टू जी एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ किसके साथ बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड होंगे अनसाउंड माइंड के साथ किए एग्रीमेंट क्या होंगे सर वॉइड होंगे याद आएगी बात बोलो सर अगली बात अगली बात के लिए एक बढ़िया चीज दिखाता हूं तुम्हें तो तुम्हें यह कॉन्सर्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा यह पिक्चर भैया दुनिया में सबने देखी है तुमने भी देखी होगी ही देख लोगे देख लो ऑनलाइन वाले भी मज देख रहे ये बताओ क्या मुन्ना भाई का एडमिशन हो जाता है हो जाता है मूवी में हो जाता है मूवी में एडमिशन हो जाता है लेकिन एडमिशन जब मूवी में होता है तो एग्जाम किसने दे एग्जाम किसने दिया होता है सर रुस्तम ने दिया होता है ना रुस्तम को क्या करते हैं सर ये एग्जाम दिलाने के लिए भेजते हैं अब एग्जाम रुस्तम ने दिया एडमिशन वैलिड इन वैलिड वैलिड है क्यों एडमिशन होता नहीं होता एडमिशन पिक्चर में बताओ ना हो जाता नहीं हो जाता हाँ सर ऑनलाइन वाले बालक भी कह रहे हैं सर पिक्चर में एडमिशन बिल्कुल वैलिड हो जाता है पिक्चर में एडमिशन बिल्कुल वैलिड हो जाता है यानी कि यानी कि धमकी देकर चक्कू दिखाकर बंदूक दिखाकर क्या किया सर किसके सर बंदूक रखी रुस्तम ने रुस्तम ने एग्जाम दिया रुस्तम ने एग्जाम दिया एग्जाम क्या हो गया सर वैलिड क्योंकि उसमें एडमिशन तो हो जाता है लेकिन तुम सच बताओ जो एग्जाम वैलिड है कौन जानता है कि ये एग्जाम सही नहीं है मतलब ये एडमिशन वैलिड नहीं है कौन जानता है, है? और रुस्तम बिल्कुल सही बात सर रुस्तम को पता है प्लस मुन्ना को पता है कि ये क्या है कि ये एग्जाम धमकी देके क्या है वैलिड नहीं है वॉइड है यानी इसमें हमने बेईमानी इीगल काम धमकी दिए लेकिन पूरे कॉलेज को क्या पता पूरे कॉलेज को पूरे कॉलेज को तो पता भैया मुन्ना भाई ने एग्जाम दिया पास हो गया एडमिशन वैलिड है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया की नज़रों में वैलिड है पूरी दुनिया के लिए वैलिड है लेकिन दो लोग ये जानते हैं कि यह बात सही नहीं है तो जज साहब कह रहे हैं वैलिड इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि सच में वैलिड तो है नहीं और वॉइड इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि अभी दुनिया को पता ही नहीं जज को भी नहीं पता है वॉइड तो कब पता लगेगा कि ये वैलिड नहीं है ये गलत तरीके से एडमिशन है कब पता लगेगा जब नहीं जब रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा कहां जाएगा जब रिस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा या जब रिस्तम कोर्ट जाएगा तब पता लगेगा ये तो एडमिशन धमकी से कराया गया गलत तरीके से कराया गया मुन्ना ने एग्जाम दिया है तो ऐसे एग्रीमेंट को सुन रहे ध्यान से जब तक रुस्तम कहा नहीं जाता पुलिस स्टेशन या कोर्ट नहीं जाता तब तक मैं इसे वैलिड भी नहीं बोल सकता तब तक मैं इसे वॉइड भी नहीं बोल सकता Osionfish. तब तक मैं इसे वैलिड भी नहीं बोल सकता तब तक मैं इसे वर्ड भी नहीं बोल सकता क्योंकि वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि धमकी दी है गलत काम किया है वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी दुनिया को पता ही नहीं है कि भैया धमकी दी है तो जज साहब ने कहा कि ऐसा कॉन्ट्रेक्ट जो बेचारा सच्चाई और बेईमानी के बीच में झूल रहा है एक ऐसा कॉन्ट्रेक्ट जो तो सच्चाई और बेईमानी के बीच में झूल रहा है और सच्चाई किस पे टिकी है रुस्तम के कोर्ट जाने पे टिकी है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तो ना वैलिड है ना वॉइड है सच्चाई और बेईमानी के बीच में झूल रहा है वो अभी वॉइड हुआ नहीं है वैलिड मानेंगे नहीं तो वो वॉइड कराने योग्य है इसलिए क्या बोलेंगे वॉइडेबल वॉइडेबल मतलब वॉइड कराने योग्य वॉइड कराने योग्य कराने लायक वॉइड कराने लायक जो कॉन्टेड वॉइड कराने लायक है उसे हम क्या मानेंगे वॉइडेबल मानेंगे अब देखो डेफिनेशन क्या लिखे डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी एमसीक्यू के लिए एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एक ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में एनफोर्सेबल हो किसके द्वारा रुस्तम के द्वारा मुन्ना भाई के द्वारा थोड़ी मुन्ना भाई एनफोर्सेबल करा लेगा कि एडमिशन वैलिड है नहीं ना अरे जब सब कह रहे हैं एडमिशन कैसे वैलिड है एडमिशन तूने कराया नहीं किसी और ने दे दे रहे तो एक एग्रीमेंट जो सिर्फ एनफोर्सेबल होगा वन और मोर पार्टी के द्वारा वन और मोर पार्टी मतलब रुस्तम और उसके पापा के द्वारा क्योंकि पापा को भी तो किडनैप कर रखा है एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है कोर्ट में रुस्तम के द्वारा कि मेरे ऊपर धमकी दी गई थी मेरे पप्पा को किडनैप किया गया था बट बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी अदर पार्टी कौन है मुन्ना मुन्ना के लिए एनफोर्सेबल नहीं है मुन्ना कोर्ट में जाके एनफोर्सेबल नहीं कर करता मेरा एडमिशन वैलिड है मैंने धमकी दी तो क्या हुआ पेपर तो उसने दिए मैं अगर पेपर उसने दिए मैंने नहीं तो क्या हुआ मेरा एडमिशन तो हो गया फीस तो बढ़ दी रिसम सबने कहा नाम मुन्ना ना जो तो ना मुन्ना ना जो तूने तो धमकी दी है उससे एग्रीमेंट क्या है वॉइडेबल और अगर वो अवॉइडेबल है तो कब होगा वो वॉइड जब वो रुस्तम और रुस्तम और उसके पापा कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेशन पढ़ना क्या है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम बट एट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है रुस्तम के द्वारा क्योंकि रुस्तम का एनफोर्सिबिलिटी सही है क्या करके कोर्ट में जाकर भैया क्या है धमकी से दिया गया है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना मुन्ना के लिए एनफोर्सेबल नहीं है वो कि वो कहते कि एडमिशन सही है एडमिशन कैसे सही है भाई मैंने तो फीस भर दी तो क्या है भाई मैंने तो दो साल का एग्जाम भी पास कर लिए थे दो साल बाद जा रहा है कोर्ट जैसे दो साल कर लियो पूरी एमबीबीएस कर लियो तेरे लिए एनफोर्सेबल नहीं है तेरे लिए तो बेकार है वो मुन्ना, वो मुन्ना कराएगा बोलो बात समझ आ गई इज द वन जो का मतलब क्या होता है कैंसिल <laughs> रिपीटेड का मतलब क्या होता है कैंसिल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी एग्रीड का मतलब होता है दुखी तो बताओ हमारे केस में दुखी पार्टी कौन है हमारे केस में दुखी पार्टी है तो एग्रीव का मतलब होता है दुखी पार्टी तो ये तो लीगल डेफिनेशन हो गई आई आई मुन्ना भाई आई आई इसलिए टू आई ठीक है ना राइट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कैंसिल किया जा सकता है दुखी पार्टी के द्वारा तो दुखी पार्टी कौन है रुस्तम जिसके सर पे बंदूक और चक्कू लगा ठीक है ना बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी मुन्ना के द्वारा नहीं जब तक रुस्तम सुनना ध्यान से जब तक रुस्तम इसे कैंसिल ना करे कोर्ट ना जाए तब तक ये दुनिया की नजरों में क्या रहता है मैंने भी बताया एडमिशन दुनिया की नजरों में क्या मुन्ना भाई का <coughs> वैलिड है वैलिड है कि नहीं है ना लेकिन कब कैंसिल हो कब वॉइड होगा जब रुस्तम कोर्ट में जाएगा तो उसे वॉइड कराने के लिए रुस्तम का पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है इसलिए जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाता एग्रीमेंट होगा वॉइडेबल जब रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा बात प्रूफ हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड याद आगे बात तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम बट नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना दैट इज एग्रीमेंट विच इज कैंसिल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी बोलो समझ गए सर तो वो क्या होगा सर वॉइड एग्जाम्पल पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना वो ये मुन्ना भाई वाला ही ठीक है ना अगली बात सर सुनना ध्यान से सर अगर कोई भी बंदा किडनैपिंग करता है ड्रग्स बेचता है ड्रग वक्त ना बेचते तुम भाई नहीं ना ठीक है अगर किडनैपिंग करता है और क्या करता है ड्रग्स वगैरह बेचता है किडनैपिंग कर रहा है ड्रग्स बेच रहा है तो बताओ ये सारे काम क्या है गैर कानूनी है? है ना आईपीसी के तहत ये सब क्या है गैर कानूनी है अब मान लो भैया सर्किट है सर्किट सर्किट इसी पिक्चर में कांटेक्ट करता है लक्की सिंह से किससे कांटेक्ट करता है लक्की सिंह से कांटेक्ट करता है क्या कि भैया मैं किडनैपिंग करूंगा किडनैपिंग करके तुझे एक आदमी को सौंपूंगा तू मुझे क्या दे दियो तू मुझे दस लाख रुपए दे दियो ठीक है अब किडनैपिंग का वो आपस में बोल कर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो क्या किडनैपिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे नहीं होंगे कैसे होंगे अब सर्किट ने किडनैपिंग कर ली इसने पैसे नहीं दिए कोर्ट चला जाएगा सर्किट तो वैलिड कैसे हो गए सर्किट ने एडवांस ले लिया किडनैपिंग नहीं करी तो लक्की सिंह कोर्ट चलेगा पैसे लो मैंने किडनैपिंग का पैसे दिया नहीं तो भैया किडनैपिंग हो गई ड्रग्स हो गई मारपिटाई हो गई सुपारी हो गई ये सारे क्या होते हैं सर दीज ऑल आर इलीगल या अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटी अनलॉफुल काम ये सारे क्या है सर अनलॉफुल है अब कोई भी चीज अगर इलीगल है और कोई भी चीज अगर अनलॉफुल है कोई भी चीज अगर इलीगल है और कोई भी चीज अगर क्या है अनलॉफुल है है ना तो कॉन्ट्रेक्ट कहता मेरे बड़े भैया देवा, देवा मेरे बड़े भैया कौन मेरे बड़े भैया आईपीसी आईपीसी ने जिस भी काम को इंडियन पिनल कोड ने जिस भी काम को गैर कानूनी हिंदी बोले तो क्या गैर कानूनी ठहरा रखा है इलीगल ठहरा रखा है अनलॉफुल ठहरा रखा है मैं उसको कोर्ट में कैसे जाने दू उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसका एग्रीमेंट कैसे कोर्ट में जाने दू बात समझ में आ रही है जो काम आईपीसी के तहत गैर कानूनी है जो काम आईपीसी छोड़ो किसी और भी लॉ के तहत इलीगल है मैं कॉन्ट्रैक्ट सबका छोटा भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट सबका छोटा भैया मैं अपने बड़े भाई बहनों की बाप दादाओं की बात को नहीं टाल सकता मेरे बाप दादाओं बड़े भाइयों ने बोल दिया आईपीसी ने बोल दिया किसी और एक्ट ने बोल दिया कि गैर कानूनी है तो मेरे यहां उस गैर कानूनी काम का एग्रीमेंट भी गैर कानूनी माना जाएगा तो गैर कानूनी काम का गैर कानूनी काम का एग्रीमेंट भी गैर कानूनी काम का एग्रीमेंट भी गैर कानूनी यानी इलीगल एक्टिविटी का एग्रीमेंट भी इलीगल एग्रीमेंट ही कहलाया जाएगा इलीगल एक्टिविटी का इलीगल एक्टिविटी का एग्रीमेंट भी इलीगल याद रहेगा डायलॉग बोलो इलीगल काम का एग्रीमेंट भी इलीगल इलीगल काम का एग्रीमेंट भी इलीगल जैसा हमने बोला दैट ऐसे एग्रीमेंट को मैं बोलूंगी इलीगल एग्रीमेंट जैसा हमने बात कह दी बात समझ में आ गई ये तो हो गया सर पहला पड़ाव इलीगल काम का एग्रीमेंट भी इलीगल है अगली बात सर्किट तुम्हारे पास आया तुम्हारे पास थी ओमनी वैन क्या थी सर ओमनी वैन देखिए कभी हाँ। कैसी होती है वो हाँ है ना तो ओमनी वैन हमेशा किडनैपिंग के काम आती है बिल्कुल सही पकड़े हैं है ना? ये वाली, तो तुम्हारे पास ये वाली जिस दरवाजा खोला ठीक है किडनैपिंग करी अगली बात ऐसी वाली समझ गया ना दरवाजा खोला किडनैपिंग करी सीधा अंदर अब तुम्हारे पास उमनी वैन थी सर्किट आया तुम्हारे पास सर्किट कह रहा भाई मुझे बस अपनी उमनी वैन दे दे कैसे भी वैन दे दे बेकार खटारा बस मुझे दो घंटे के लिए सर्किट हो चार सर्किट में क्या तुम जानते हो सर्किट को तुमने कहा यार भैया तो अलग कुछ उल्टे सीधे काम करेगा फंसेंगे सर्किट कह रहा आज तक ऐसा हुआ है आज तक ऐसा हुआ है मैंने कोई भी काम किया अरे तू का टेंशन ले रहा है पुलिस वुलिस का टंटा सब कुछ मैं देख लूंगा अरे बहुत जान पहचान है अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सुन ओमनी वैन के तुझे तू मुझे बस दो घंटे के लिए देता कितने घंटे के लिए दो घंटे के लिए दो लाख रुपए दूंगा लाख रुपए घंटे का किराया और बता तुम्हारी आंखों में क्या हुआ सर डॉलर के निशान बन गए तुमने कहा लाख रुपए घंटा हो रही दादा लालच आ गया नहीं आ गया तुमने दे दिया और तुम्हारी ओमनी वैन पे जब सर्किट क्या कर रहा है किडनैपिंग कर रहा है तो पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया सर्किट वर्सेस पहला केस सर्किट वर्सेस लक्की सिंह तो क्या हो गया इलीगल इलीगल है तो ऑटोमेटिकली क्या है वॉइड है क्वेश्चन नंबर टू ये हुआ जो तुम्हारा एग्रीमेंट है यू वर्सेस सर्किट ये इलीगल होगा नहीं होगा यानी इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट इलीगल होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे जज साहब ने बोला कि तेरु मार पर एहसान कर दिया खुद इलीगल हो जाएगी तो जेल हो जाएगी इलीगल एग्रीमेंट से जो जुड़े एग्रीमेंट होते हैं वो क्या हुए वॉइड क्योंकि किसी को रेंट पे देना किसी को कार रेंट पे देना या किसी को मान लो सर्किट ने तुमसे लोन ले लिया किसी को कार रेंट पे देना या किसी को लोन दे देना क्या नहीं होता सर इलीगल नहीं होता लेकिन उसका पर्पस क्या निकला इलीगल तो इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट होंगे तुम्हारा और सर्किट का एग्रीमेंट क्या बोला गया नहीं। वैलिड नहीं अरे पागल हो रहा है वैलिड वैलिड, वैलिड होगा तो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे वापस कार ही मिल जाएगी वापस ना 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 वॉइड इससे पता क्या अजत साहब ने बोला वॉइड मतलब कार भूल जा कार तो जब्त होगी तेरी पुलिस स्टेशन पैसे ही भूल जा सर्किट तुझे पैसे नहीं देगा बस शुक्र बना कि जेल नहीं हो रही यहां इन्हें जेल होगी यहाँ इसे भी जेल है और यहाँ लक्की सिंह को भी जेल है आईपीसी के तहत लेकिन यहां तुम्हें तुम्हें जेल नहीं होगी पर अपनी कारवार भूल जाओ दो लाख रुपये भूल जाओ कार भूल जाओ तो जज साहब ने बोला इसको कुछ ऐसे याद कर लेंगे सर प्यारे प्यारे बालक इलीगल एग्रीमेंट्स आर इलीगल प्लस वॉइड बट इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े, जुड़े एग्रीमेंट जो तुम्हारी कार रेंट पे या लोन पे था इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट क्या होते हैं सर इलीगल एग्रीमेंट इलीगल और वॉइड होते हैं इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होते हैं इलीगल नहीं होते बोल नजारा फिर से डालो इलीगल एग्रीमेंट वॉइड और इलीगल दोनों इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट तो ये वाला जो एग्रीमेंट है तुम्हारा ये क्या है ऐसे सर्किट कह रहा है मुझे ओमनी वैन मध्य मुझे दो लाख रुपए उधार दे दे और वह उधारी कहां यूज करेगा किडनेपिंग के काम में यूज करेगा तो वो भी उधारी भी क्या है तुम्हारी वॉइड है बात समझ में आ गई यही बात लिखी है सर और ये एग्जाम में आती आती है इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिखेंगे मैंने यहां पर खतरा भी बना रखा है इसलिए देखो खतरा बन रहा है एक्सपेक्टेड ये लिखी बात इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अल्लाहफुल बोले तो गैर कानूनी सच एग्रीमेंट कोर्ट में जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं सर वॉइडियो वर्ड मतलब yes. बेकार. मतलब बिगनिंग मतलब क्या हुआ वाइड फ्रॉम द का मतलब क्या हुआ वर्ड फ्रॉम द ये लिखी बात द बिगनिंग सेम ने सर्किट को पे किए कि भैया उसको किडनैप कर ले या मार दे हैप्पी सिंह ने सर्किट ने उसे मार दिया क्या है? क्या सर्किट पैसे रिकवर कर सकता है नहीं सर्किट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हैप्पी सिंह बिकॉज एग्रीमेंट बिटवीन द हैप्पी सिंह इज इलीगल क्योंकि किसी को मारना क्या है सर इलीगल है अब इससे जुड़े हुए एग्रीमेंट जुड़े हुए एग्रीमेंट बोल दो क्वालिटरल एग्रीमेंट जुड़े हुए एग्रीमेंट बोले तो क्वालिटरल एग्रीमेंट क्वालिटरल एग्रीमेंट क्या होंगे सर इलीगल नहीं होतेटर एग्रीमेंट वॉइड होते हैं ठीक है ना जैसे उसने एक लाख रुपए मुन्ना किससे ले लिए सर उधार ले लिए तो ये जो क्वालिटील एग्रीमेंट है मेन एग्रीमेंट से वो क्या होता है सर वॉइड होता है वो रिकवर नहीं हो सकते समझ गए मुन्ना राइट और आखिरी भैया ये होता मम्मी ने बहुत बढ़िया तुम्हारी दाल बनाई उसमें सब उसमें तुम्हें फीकी लगी तुमने फेंक दिया तो मम्मी चप्पल उठा लेंगे रिलैक्सों वाली नीली पट्टी वाली मम्मी ने कहा फेंकी क्यों अरे फेंकी क्यों तुम क्या बोल रहे हो मम्मी फीकी थी अगर सब्जी फीकी है तो फेंक दोगे मम्मी ने कहा तू भी तो फीके तेरे तेरे दिमाग में खाली है तो तुझे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल फेंक दो तुझे कचरे में है तुमने कहा बताओ गलती क्या है फेंकनी क्यों नहीं चाहिए थी बताओ फेंकनी क्यों नहीं चाहिए थी फीकी है तो क्या करें मम्मी कह रही है, भाई फीकी है तो नमक भी तो रखा है घर में नमक डाल है ना नमक डाल अरे भाई नमक डालता और सब्जी खा लेता बात रही है सब्जी ठंडी थी फेंक दोगे मम्मी नमक को सही था बहुत बढ़िया ठंडी थी मजा नहीं आया फेंक दी है कह नहीं बात तो मम्मी कह रही है भाई गर्म ना कर सकते गैस ना है माइक्रोवेव ना है, और, है यह हाथ पाओ तो काम करने बंद कर रहे तेरे जो गर्म भी नहीं कर सकता तू अभी आ है कि नहीं बात तेरा दिमाग भी ठंडा ही है वैसे ठीक है तुझे भी कचरे वाले को दे दूंगी मैं तो पिटोगे ना पिटोगे तो मम्मी ने चप्पल निकाल ली ए जज साहब कह रहे हैं भाई ये तुम मम्मी से पिटने वाले काम मुझसे भी कर रहे हो तुम्हारे मेरे एग्रीमेंट में गलती से डेट अभी कॉलम खाली रह गया किसी के विटनेस के साइन रह गए कोचिंग की स्टैंप लगनी रह गई तो फाड़ के फेंक दोगे तो पूरा एग्रीमेंट कोर्ट गए बनवाए ये ले पकड़ बेकार है जज साहब ने कहा पे चॉट बन जाओ कंटाप लगेगा अबे भैया विटनेस के साइन रह गए तो क्या कर लो करा लो कुछ लिखना रह गया लिख लो डेट डालनी रहेगी तो डेट डाल दे भाई, क्या दिक्कत है स्टैंप लगनी रहेगी कोचिंग की तो स्टैंप लगा ले लगा ले क्या दिक्कत है जज साहब ने कहा एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक्चुअली में बिल्कुल वैलिड है सब कुछ ठीक है लेन देन के हिसाब से लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल कमी है क्या है टेक्निकल कमी है जैसे नमक की कमी गरम नहीं हुआ तो जज साहब ने कहा भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम क्या करा कर लो एनफोर्स कर लो क्या करके जो टेक्निकल डिफेक्ट है ना उसे रिमूव कर दो टेक्निकल डिफेक्ट को घटाओ हटाओ और क्या करो क्या करो वैलिड करा लो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब तक उसमें टेक्निकल डिफेक्ट दूर ना हो जाए तब तक क्या होते हैं वो अन क्या होते हैं अनएनफोर्सेबल तो अनएनफोर्सेबल आर द कॉन्ट्रैक्ट विच एक्चुअली वैलिड इन एवरी सेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट है ना राइट right. वो एनफोर्सेबल नहीं है ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट तो अब उन टेक्निकल डिफेक्ट को दूर करो क्या बना लो एनफोर्सेबल करा लो जैसे टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हुआ अब वो कॉन्ट्रेक्ट क्या हो गया एनफोर्सेबल हो गया अब वो कॉन्ट्रेक्ट क्या हो गया एनफोर्सेबल हो गया ठीक है तो मुझे तुम्हें तो बात समझ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो दोबारा रिवाइज करके बहुत अच्छे समझने वाले हैं एक मुझे पता होना चाहिए इम्प्लाइड एक मुझे पता होना चाहिए वॉइड एग्रीमेंट वर्ड एग्रीमेंट बच्चा खाता पाल लीजिए टू जी वाला एक पता होना चाहिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कि पहले सब कुछ ठीक था बाद में बाद में वॉइड क्यों हुआ इंपॉसिबिलिटी की वजह से तीन तो पता होना चाहिए चौथा पता होना चाहिए इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वर्ड इन एग्रीमेंट इलीगल भी होते हैं वर्ड भी होते हैं लेकिन एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होते हैं ये चार को तो बहुत अच्छे से याद करना ही करना है कौन कौन से इंप्लाइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वाला इधर वाला वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल इंप्लाइड वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलिगल ये तो याद करने, करने क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हें आ जाते 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 है बाकी याद आई जाएगी बोलो समझ गए अगली क्लास में करेंगे इसके एमसी तैयार रहेंगे ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बायस सर समझ में आगे बात टेक केयर